इस वीडियो में हम लैक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ सेरीकल्चर, एपीकल्चर एंड एक्वा कल्चर। तो अगर आपने इन कल्चर्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं विद हैंड रिटन नोट्स, ये अवेलेबल हैं। लैक कल्चर के बारे में देखते हैं। जैसे सेरीकल्चर हमने पढ़ा था, सिल्क वर्म से सिल्क का प्रोडक्शन कराना सेरीकल्चर इंडस्ट्री में होता है, वैसे ही लैक कल्चर में लैक इंसेक्ट होता है जिसका नाम टेकार्डिया लेक्का होता है, वहाँ से हम लैक का प्रोडक्शन कराते हैं, उस इंसेक्ट से लैक का प्रोडक्शन कराते हैं, जो लैक एक रेजिनस सब्सटेंस है और ये बहुत यूजफुल है। आगे इस वीडियो में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि लैक का प्रोडक्शन क्यों कराया जाता है और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो स्टे ट्यून एट द लास्ट ऑफ वीडियो। इसमें हम देखते हैं कल्टिवेशन ऑफ लैक। कल्टिवेशन ऑफ लैक इन्वॉल्व प्रॉपर केयर ऑफ होस्ट प्लांट, रेगुलर बर्निंग ऑफ होस्ट प्लांट, इन्फेक्शन एंड इनोकुलेशन, क्रॉप रीपिंग, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, फोरकास्ट ऑफ सॉर्मिंग, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ लैक। लैक कल्टिवेशन में क्या होता है, एक होस्ट प्लांट को सेलेक्ट करना पड़ता है और उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। होस्ट प्लांट क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो लैक का इंसेक्ट होता है जिससे हम लैक बनाने वाले हैं, वो लैक इंसेक्ट टोटली किस पे रहता है, उस होस्ट प्लांट पे रहता है। अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं तो सेरीकल्चर इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जो बॉम्बेक्स मोरी सिल्क वॉर्म था जिससे हमको सिल्क बनाना था, वो भी मलबरी लीव्स पे ही रहता था, मलबरी लीव्स प्लांटेशन पे सर्वाइव करता था, मलबरी लीव्स को खाता था। इस वजह से मलबरी प्लांटेशन हमें बहुत अच्छा करना पड़ता था, तभी जो है उसकी ग्रोथ अच्छी होती थी और हमें अच्छी क्वालिटी का सिल्क मिलता था। बिल्कुल सेम फंडा यहाँ पर भी है कि हमें अच्छी क्वालिटी का होस्ट प्लांट लेना है, उसकी प्रॉपर केयर करनी है, क्योंकि उसी पे हमारा लैक इंसेक्ट रहेगा और अच्छी क्वालिटी का रेजिन मटेरियल हमें मिलेगा, ठीक है। और इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, यानी मेल लैक इंसेक्ट अलग होता है, फीमेल लैक इंसेक्ट अलग होती है, तो उसमें हमें सॉर्मिंग भी करानी पड़ती है और प्रॉपर हमें कंट्रोल करना होता है इंसेक्ट पेस्ट का, यानी कोई भी पेस्ट डिजीजेज उसमें ना लगे पाए। फिर देखते हैं आगे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द कल्टिवेशन ऑफ लैक इज द प्रॉपर केयर ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट की हमें बहुत केयर करनी होती, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। इट इज द होस्ट प्लांट ऑन विच द लैक इंसेक्ट डिपेंड फॉर देयर फूड शेल्टर एंड फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। होस्ट प्लांट इतना इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि वो अपना फूड उससे लेता है, वहाँ पर शेल्टर लेता है और अपनी लाइफ साइकिल उसी पर कंप्लीट करता है, ठीक। देयर आर टू वेज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट को कल्टिवेट करने के दो तरीके हैं। वन इज दैट शुड बी अलाउडेड टू ग्रो इन देयर नेचुरल वे, बिल्कुल उसे नेचुरल वे में ग्रो करने के लिए छोड़ देना चाहिए, नेचर की मदद से वो अपना ऑटोमेटिक ग्रो करता रहेगा, उसमें मैनमेड मैनिपुलेशन जरूरत नहीं होती है। फंक्शन ऑफ लैक कल्चरिस्ट इज टू ओनली प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जो लैक कल्चरिस्ट होता है उसका काम सिर्फ इतना होता है उसे बाकी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करके रखे, प्रॉपर ग्रोथ की उसको ऑब्जर्व करे, बाकी उसको कोई भी एडिशन उसमें नहीं करना होता। एक अनदर मेथड होता है आर्टिफिशियल इन्फेक्शन, उसमें क्या होता है देखते हैं। प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल मैन्योर इरिगेशन फैसिलिटी। आर्टिफिशियल मैन्योर यानी मार्केट्स में जितने भी फर्टिलाइजर्स आते हैं वो हमें ऐड काउन करने पड़ते हैं, नेचर के हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें आर्टिफिशियल चीज़ें देनी पड़ती हैं। आर्टिफिशियल मैन्योर्स यानी वही फर्टिलाइजर्स जो खाद है वो देनी पड़ती है। इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, प्लगिंग करनी पड़ती है और प्लांट को कैटल और ह्यूमन बींग से प्रोटेक्ट करके रखना रहता है। फिर इनोकुलेशन देखते हैं। द मैथड बाई विच द लैक इंसेक्ट आर इंट्रोड्यूस टू द न्यू लैक होस्ट प्लांट इज कॉल्ड इनोकुलेशन। एक जो लैक इंसेक्ट है वो न्यू होस्ट प्लांट पर जब ट्रांसफर किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे हम इनोकुलेशन कहते हैं। इनोकुलेशन दो तरीकों से होता है, एक नेचुरल इन्फेक्शन होता है और एक आर्टिफिशियल इन्फेक्शन होता है। नेचुरल इन्फेक्शन में व्हेन इन्फेक्शन फ्रॉम वन प्लांट टू अदर अकर बाय नेचुरल इन्फेक्शन और बाय नेचुरल मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट, जब इंसेक्ट का खुद ही नेचुरल मूवमेंट होता है, वो अपने आप से ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चला जाता है, तो वो नेचुरल इन्फेक्शन होता है, जहां पे मैन कुछ भी नहीं करता है, कल्चरिस्ट कुछ भी नहीं करता है, ठीक। इट इज़ कॉल्ड नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन है सम ड्रॉबैक्स, इसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन, पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इररेगुलर इंक्यूबेशन होता है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, हार्श कंडीशन को उसको टॉलरेट करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैरासाइट्स, और जब इसमें प्रॉपर केयर नहीं करी जाती, जब मैन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है तो उसमें पैरासाइट लग जाते हैं और फिर पैरासाइट धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते रहते हैं और अल्टीमेटली होस्ट प्लांट को ख़राब कर देते हैं, तो हमारा लैक इंसेक्ट उस पर रह नहीं पाएगा। फिर देखते हैं आर्टिफिशियल इन्फेक्शन में क्या होता है। आर्टिफिशियल इन्फेक्शन टेक प्लेस थ्रू द एजेंसीज अदर देन दोज ऑफ नेचर। अब नेचर की मदद लिए बिना कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इन्फेक्शन करते हैं। मेन आइडिया बिहाइंड इज टू चेक ऑल द पॉसिबल ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन। और ये आर्टिफिशियल इन्फेक्शन इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि हम नेचुरल इन्फेक्शन के सारे जो ड्रॉबैक्स हैं, डीमेरिट्स हैं, उनको ओवरकम कर सके। देन इन आर्टिफिशियल इन्फेक्शन आर्टिफिशियल मैन्योर इरिगेशन फैसिलिटी प्लगिंग इज प्रोवाइडेड। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं, सारी खाद और इरिगेशन करते हैं, प्लगिंग करते हैं, तो ये
आर्टिफिशियल मेथड हो जाता है। प्रायर टू अबाउट 2 weeks ऑफ हैचिंग लैक बियरिंग स्टिक आर कट टू साइज ऑफ 6 inch। जहाँ पे लैक बियरिंग एक स्टिक फॉर्म होती है प्लांट के पास, वो 6 inches हम काट लेते हैं और उसे ब्रूड लैक कहा जाता है। ब्रूड लैक आर केप्ट फॉर 2 weeks इन सब कोल्ड या शेडेड प्लेसेस में 2 हफ्तों के लिए उसे रखा जाता है। व्हेन लार्वा स्टार्ट इमर्जिंग फ्रॉम दिस ब्रूड लैक, इस ब्रूड लैक से धीरे धीरे लार्वा इमर्ज होना स्टार्ट करता है, तब हम यहाँ पे इनोकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इनोकुलेशन मैंने इससे पहले बताया था ना, वो स्टार्ट करेंगे। लैक क्रॉप है, लैक इंसेक्ट रिपीटेड लाइफ साइकिल ट्वाइस अ ईयर, एक ईयर में ये 2 बार अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। देयर आर एक्चुअली 4 lakh क्रॉप सिंस द लैक इंसेक्ट बिहेव इन 2 manner। 4 lakh क्रॉप हमें टोटल मिलती हैं लास्ट में, क्योंकि ये 2 तरह से बिहेव करता है। आइदर दे डेवलप ऑन कुसुम प्लांट, या तो वो कुसुम प्लांट पे ग्रो करेगा उसका होस्ट प्लांट, और या तो वो डेवलप करेगा अदर देन कुसुम प्लांट, यानी अपना होस्ट प्लांट कुसुम प्लांट के अलावा कोई और प्लांट को चूज करेगा तब। लैक विच ग्रोज ऑन नॉन कुसुम प्लांट, जब वो नॉन कुसुम प्लांट को एज अ होस्ट प्लांट रह के उस पर ग्रोथ करता है, तब उसे हम रंजीम लैक कहते हैं, जो हमें लैक का प्रोडक्शन होगा। एंड विच ग्रोज ऑन कुसुम प्लांट इज कॉल्ड कुसुमी लैक, और जब हम किसी होस्ट प्लांट को चूज करते हैं और वो कुसुम प्लांट होता है, तब जो वहाँ से हमें लैक का प्रोडक्शन होगा उसे कुसुमी लैक कहा जाता है। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ लैक, लैक इंसेक्ट आर हाईली यूजफुल टू मैन, द लार्जेस्ट वाइड यील्ड ऑफ लैक एंड आई ऑप्टेन बाय हार्वेस्टिंग द ट्विक्स। तो जो इन्फेक्टेड ट्विक्स होती है प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद, वहाँ से लैक को हार्वेस्ट कर लिया जाता है या फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। लैक कट आउट फ्रॉम होस्ट प्लांट इज कॉल्ड स्टिक लैक, जो लैक हटाया जाता है होस्ट प्लांट से यानी निकाला जाता है उसे हम स्टिक लैक कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन ट्वाइस अ ईयर, जून एंड नवंबर के टाइम पे 2 बार ये करी जाती है। लैक कैन बी स्क्रैप्ड फ्रॉम द ट्विक्स, जो ट्विक्स होती है जिसमें लैक जमा हुआ होता है, रेजिनस सब्सटेंस मैंने बताया वो लैक होता है, तो उसको हम स्क्रैप यानी बाहर की तरफ उसे निकाल लेते हैं। बिफोर एंड आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ लार्वा, इट इफ फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिफोर द एमर्जेंस ऑफ लार्वा द टाइप ऑफ लैक प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एरी लैक, और इसकी जो लार्वा का इमर्जेंस होता है यानी मेटिंग जो होती है उसके पहले अगर हम लैक का प्रोडक्शन करा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एरी लैक कहते हैं। फिर देखते हैं इफ इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर स्वॉर्मिंग ऑफ लैक, स्वॉर्मिंग मैंने बताया था, स्वॉर्मिंग का मतलब सिंपली आप फर्टिलाइजेशन मान सकते हैं, जब मेटिंग या कॉपुलेट हो चुकी होती है अगर हम तब हम लैक का प्रोडक्शन कराते हैं तो उसे फुनकी लैक कहते हैं। तो दोनों लैक, एरी लैक और फुनकी लैक आपको क्लियर हो गया। फिर आगे देखते हैं द स्क्रैपिंग ऑफ लैक फ्रॉम द ट्विग इज डन बाय नाइफ, नाइफ की मदद से जो ट्विग होती है जिसमें किनारे किनारे लैक जमा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, वहां से हम उसे स्क्रैप आउट कर लेते हैं। आफ्टर विच दे शुड नॉट बी एक्सपोज टू सन, उसके बाद उसे सन के एक्सपोजर में नहीं आना होता है। स्क्रैप लैक इज ग्राइंडेड इन द हार्ड स्टोन माइल्स, जो हार्ड स्टोन माइल्स होते हैं उसमें इस लैक को अच्छे से ग्राइंड कर लिया जाता है। फिर देखते हैं द अननेसेसरी मटीरियल्स आर सॉर्टेड आउट इन ऑर्डर टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स ऑफ डर्ट कॉल्ड डस्ट लैक, फिर उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ फाइन पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं लैक में, क्योंकि भाई नेचुरल डेवलप हो रहा है तो कुछ तो इम्प्योरिटीज़ मिली ही होंगी, तो डस्ट लैक को हटा दिया जाता है। लैक इज वॉश्ड रेपिडेडली विद कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर से लगातार इसे वॉश किया जाता है। नाउ एट द स्टेज इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपोज टू सन फॉर ड्राइंग, और जब एक बार वॉश कर लिया जाता है फिर उसको सन एक्सपोजर में रखा जाता है और उसकी ड्राइंग कराई जाती है। सीड लैक इज नाउ मेल्टेड एंड स्प्रेड आउट इन अ थिन लेयर ड्राइड फॉर्मिंग अ शेलैक, फिर उसको क्या किया जाता है, मेल्ट करके एक थिन लेयर बनाई जाती है उसकी, फिर उसको ड्राई किया जाता है और उसको हम शेलैक कहते हैं। ठीक, फिर देखते हैं डस्ट लैक इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, अब जो ये डस्ट लैक निकला है इसका क्या यूज़ है, इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा, तो ये टॉयज के मैन्युफैक्चर में मदद आता है। शेलैक इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेंट, पेंट के प्रिपरेशन में हमारा शेलैक मदद आता है, पॉलिशेस बनाने में, पॉट बनाने में, इन फिलिंग ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं हमारे बैंगल्स या ब्रेसलेट्स होते हैं तो अंदर से उसमें फिलिंग जो कराई जाती है वो शेलैक की कराई जाती है। ठीक, फिर देखते हैं बिसाइड दिस अ रेड डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल इंसेक्ट, इसके अलावा एक रेड डाई होती है जो हमें फीमेल लैक इंसेक्ट की बॉडी से मिलती है, तो यहाँ पे डाई का भी यूज है। दिस डाई इज यूज बाय द वुमेन्स टू कलर द सोल ऑफ देयर फीट, तो जो उनके सोल जो रंग लगा तो उसमें ये कलर यूज होता है, रेड डाई वो होती है। लैक की कुछ एनिमीज होती हैं, लैक इंसेक्ट की कुछ दुश्मन होते हैं। लैक एनिमी इम्पोजेज अ चैलेंज टू द लैक कल्चरिस्ट एज दे नॉट ओनली डिक्रीजेज द पॉपुलेशन ऑफ लैक इंसेक्ट बट ऑल्सो रिटार्ड द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लैक, जो लैक की एनिमीज है ना कि सिर्फ क्वालिटी खराब करती हैं क्वान्टिटी भी खराब कर देती हैं लैक की। डैमेज कॉज टू लैक इंसेक्ट मे बी, अब कौन कौन सा डैमेज हो सकता है लैक इंसेक्ट को, डैमेज कॉज बाय इंसेक्ट, कोई अदर इंसेक्ट के द्वारा उसे डैमेज हो सकता है, डैमेज कॉज बाय एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट, या इंसेक्ट के अलावा और कोई अगर एनिमल है तो वह होस्ट प्लांट को अगर उसने खा लिया तो फिर क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा हमारा जो लैक इंसेक्ट उस पर ग्रो कर रहा था।
फिर आगे देखते हैं, इंसेक्ट एनिमीज ऑफ लैक क्रॉप मे बी प्रिडेटर्स एंड पैरासाइट्स। और जो इंसेक्ट एनिमीज हो सकती हैं लैक की, वो ज़्यादा ज़्यादा प्रिडेटर्स हो सकते हैं या तो पैरासाइट हो सकते हैं, परजीवी जो होते हैं, तो ये धीरे धीरे उसे खराब कर सकते हैं। कॉमन पैरासाइट ऑफ लैक इंसेक्ट इज कॉल्ड चैलसेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट नोट में भी पूछा सकता है कि चैलसेट क्या होता है। तो चैलसेट एक कॉमन पैरासाइट है, परजीवी है, जो लैक इंसेक्ट पर रहता है, फिर धीरे धीरे लैक इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज पहुंचाता रहता है। डैमेज डन बाय पैरासाइट कॉन्स्टिट्यूट 5-10% ऑफ द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ लैक क्रॉप। लैक क्रॉप में पूरी तरह से डैमेज नहीं पहुंचाता, बस 5-10% ये डैमेज पहुंचाता है। डैमेज डन बाय प्रीडेटर इज ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी 35% ऑफ द टोटल डिस्ट्रक्शन। और जो प्रीडेटर्स होते हैं, यानी जैसे कोई डियर आ गया, कोई रैबिट आ गया, अगर उसने होस्ट प्लांट को इनटेक कर लिया, तो उसका डिस्ट्रक्शन यहाँ पे उसका डर ज्यादा होता है, 35% उसका डर होता है। ठीक, फिर देखते हैं, स्क्विरल्स, मंकी, रैट, रैबिट, मैन एक्सेट्रा आर एनिमीज अदर देन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अलावा ये सब एनिमीज हैं लैक इंसेक्ट की, विच डिस्ट्रक्ट द लैक क्रॉप इन डिफरेंट वेज। जो तरह तरह से अपने यूज के लिए लैक इंसेक्ट को या लैक क्रॉप को खराब कर सकते हैं। डैमेज इज ऑल्सो डन बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव कोल्ड एंड हैवी रेन। ये क्लाइमेटिक फैक्टर से भी खराब हो सकता है, बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या हैवी रेन हो तो। ठीक, कॉम्पोजिशन ऑफ लैक, जो लैक हमारा निकलता है, जैसे सेरीकल्चर में सिल्क निकलता था, वैसे ही लैक जो निकलता है, इसमें क्या ऐसी कॉम्पोजिशन होती है। ये एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस में मिक्स होता है, इसीलिए इसको रेजिनस सब्सटेंस कहा जाता है। हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिन टुगेदर विद शुगर वाटर एल्कलीन सब्सटेंस। ज़्यादा मात्रा में इसमें रेजिन होता है, लेकिन थोड़ा शुगर वाटर और एल्कलीन सब्सटेंसेस भी मिले हुए होते हैं। रेजिन 68-90% होता है, डाई 2-10% होती है, वैक्स होते हैं 5-6%, वाटर होता है 2-3%। ये इसकी कॉम्पोजिशन हो गई। यूजेस लैक के क्या होते हैं, लैक हैज बीन यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम ओल्डर एज। बहुत प्रीवियस टाइम से, प्री हिस्टोरिक डेज से लैक को ह्यूमन वेलफेयर में यूज किया जाता है। लैक इज यूज इन मेकिंग टॉयज, ब्रेसलेट, सेलिंग वैक्स एंड ग्रोमोफोन रिकॉर्ड्स। ठीक है, इतनी चीज़ें बनाने में इसका यूज होता है। इट इज यूज इन फिलिंग ऑर्नामेंट्स, ये हमें पता है कि ऑर्नामेंट्स के अंदर की फिलिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्निशेस एंड पेंट्स, पेंट्स जो होते हैं उनके मैन्युफैक्चर में इसे मदद किया जाता है। पॉन्ड्स में, पॉट में, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ स्टिक लैक इज यूज फॉर डाइंग पर्पज। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है इस प्रोसेस के दौरान, उसे हम डाइंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। नेल पॉलिश इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ लैक। लैक का जो बाई प्रोडक्ट होता है, उसे नेल पॉलिश में यूज किया जाता है, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने चाहिए, पॉइंट है, जो लैक हम होस्ट प्लांट पे रहने देते हैं स्वार्मिंग के लिए, उसे रिमूव कर देना चाहिए अक्टूबर नवंबर के टाइम। ट्विग्स फॉर इनोकुलेशन शुड बी कट जस्ट बिफोर स्वार्मिंग टू गेट हेल्दी ब्रूड, यानी उनकी स्वार्मिंग कॉपुलेटिंग होने से पहले जो हमें लैक मिला होता है, उसे हमें हटा लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए, ताकि हमें हेल्दी ब्रूड मिल पाए। थर्ड है, ट्विग यूज्ड फॉर इनोकुलेशन शुड बी फ्री फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स। जो हम ट्विग यूज कर रहे हैं इनोकुलेशन के, उसमें प्रीडेटर या पैरासाइट नहीं होने चाहिए। फ्यूमिगेशन वाटर of lag before removing the twig should be done. Fumigation कराना चाहिए पूरे plant का, जैसे ही हम twig को remove कर लेते हैं। Then fifth is twig tied for inoculation should be removed from the inoculated whole plants after a maximum period of 20 days. जो inoculation के लिए हम twigs को tied करते हैं, उसे maximum period 20 days के बाद उसे remove कर देना चाहिए। सिक्स है, प्रॉपर टेक केयर ऑफ होस्ट प्लांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पैरासाइट एंड एनिमीज ऑफ द लैक इंसेक्ट। ये तो हमें पता है, कॉमन सा टॉपिक है, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको पैरासाइट से बचाना रहता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, पहली, इट इज यूज फॉर ज्वेलरीज, गोल्ड स्मिथ हु यूज लैक एज अ फिलिंग मटेरियल इन द हॉलोज इन द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अंदर, उसमें हॉलो जो जगह होती है, उसमें फिलिंग मटेरियल के तौर पे एज अ लैक यूज होता है। इट इज एसेंशियल इन मेकिंग द मेटल फर्नीचर्स, मेटल फर्नीचर्स में इसका यूज होता है। वेरी कॉमन इन सीलिंग वैक्स, सीलिंग वैक्स बनाने में भी लैक का यूज होता है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोग्राफिक मटीरियल, जितना भी फोटोग्राफिक मटीरियल आता है उसमें ये यूज होता है। इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टॉयज, इन पॉलिट्री एंड आर्टिफिशियल लेदर। तो ये कुछ यूज